नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए, लगभग सभी पूरे इंडिया में यूज हो रहे सॉफ्टवेयर, उसमें एक फंक्शन है कि आप किसी को बिल स्टेटमेंट, कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कुछ भी सेंड करना हो किसी को भी बाय मेल के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले PDF एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसको अपनी इंटरनेट पे मेल आईडी खोल के अटैचमेंट डाल के और फिर उसको कंपोज करके मेल करते हैं। लेकिन बिजी एक सर्विस रहता है जिसमें डायरेक्ट बिजी से ही किसी सेकंड पर्सन को, थर्ड पार्टी को उसका बिल स्टेटमेंट मेल कर सकते हैं। ये फंक्शन बहुत ही ईजी है, पर कुछ कारण की वजह से ये एरर देता है। बहुत बार देखा था SMTP एरर, 465 वगैरह। आज हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आप जिस ईमेल आईडी को यूज करते हैं, आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है जहाँ से आप किसी अदर पर्सन को मेल भेजना चाहते हैं, आपको उस ईमेल की एक सेटिंग ऑन करनी होती है। पहले आपको ले चलते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे। देखिए, अब ये अपना जीमेल अकाउंट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जीमेल अकाउंट ओपन करके यहाँ पे एक ऑप्शन होती है गूगल अकाउंट की, जहां देखिए गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना आपने। ओके, सेकेंड आपका फंक्शन सिंपल सिक्योरिटी पे। ओके, ये देखिए क्या लिखा रहा है, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, इसको आपने ऑन करना है। बस ये एक जीमेल की सेटिंग होती है जो आपने करनी है, बाकी वो आप देखा होगा कि SMTP IMOP ऑन करो, वो करो, कुछ भी नहीं करना है। आपने सिंपल इस फंक्शन को ऑन कर देना है, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस को आपने सिंपली ऑन कर देना है, और आपको अपने जीमेल के आउटलुक, वेब मेल, कुछ भी हो, जहां पे भी वेब वर्जन चाहिए हो जीमेल की तरफ से, ये आपको अलॉक कर देता है। और आपने ये फंक्शन अपने लैपटॉप से या मोबाइल से ऑन कर देना है अपने जीमेल अकाउंट में। सेकेंड का सिंपल, आपने अपनी बिजी सॉफ्टवेयर पे जाना है, यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, और इसमें फंक्शन है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या टाइप किया हुआ है, इसको आप अपने पेपर पर लिख लीजिए smtp.gmail.com, जो जीमेल का सेंडिंग मेल सर्वर है। सेकंड, अपना यूजर आईडी जो आपका जीमेल का यूजर आईडी है, और नीचे पासवर्ड जो आपका जीमेल का पासवर्ड है, और सिंपली यहाँ पे पोर्ट पे आपने 465 लिखना है। ध्यान सुनिए, 465, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और सिंपली इसको सेव कर दीजिए। अब आपको दिखाएंगे पहले करके कि मेल भेजते कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेजर खोला PNB बैंक का। ओके, इसको मैंने मेल करना है, ध्यान सुनिए, इसको मैंने मेल करना है। सिंपली एक शॉर्टकट है, यहां भी कर सकते हैं, यहां से ईमेल पर शॉर्टकट की है Alt+Alt+M, क्लिक करेंगे, ये देखिए PDF अटैचमेंट खुद बन जाएगी, और यहाँ पे आपने जिसको मेल करना है उसका मेल आईडी बनेंगे आप। ओके, सिंपली F2 दबाना आपने, सिंपली F2, ये प्रोसेसिंग हो रही है। क्या लिखा रहा है दोस्तों, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, सिंपली आप अपने बिजी से किसी सेकंड पर्सन को मेल सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ अकाउंटेंटों के लिए जो बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और आगे आने वाले बिजी के फंक्शंस के लिए मैं अपडेशन लाता रहूंगा आपके लिए, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, इतनी जानकारी दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।